फ्री हैंड स्केचिंग में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि सस्पेंशन का एक व्हीकल में फंक्शन क्या होता है। तो इसका सबसे पहला फंक्शन ये है कि रोड की अनइवननेस और उसके शॉक्स के अगेंस्ट व्हीकल को और ऑक्यूपेंट्स को कंफर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा, व्हीकल के वेट को सपोर्ट करता है, जो स्प्रंग वेट होता है, यानी कि जो हमारे सस्पेंशन के ऊपर की साइड वेट है उसको हम स्प्रंग वेट बोलते हैं। जो सस्पेंशन के नीचे वेट माउंट किया गया है उसे अनस्प्रंग वेट बोलते हैं। तो स्प्रंग वेट को जो है ये स्प्रिंग सपोर्ट करता है, या हम कह सकते हैं पूरा सस्पेंशन सिस्टम है सपोर्ट करता है। सेकेंडली, जब भी व्हीकल अनइवन सर्फेसिस पे चलता है तो उसकी ग्रिप को मेंटेन रखता है रोड के साथ। उसके बाद जब भी हम टर्न लेने की कोशिश करते हैं, व्हीकल टर्न लेता है तो उसकी रोलिंग के चांसेस होते हैं, मतलब उसके एक साइड झुक जाने के या पलट जाने के चांसेस होते हैं, उसको मिनिमाइज़ करता है। व्हील को अलाइन रखता है कि वो अपने सीधी पोजीशन पे चले, मतलब व्हीकल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉरी व्हील्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। तो सस्पेंशन का क्या काम है, उनको अलाइन रखना कि जो हमने एंगल्स पे सेट किया है उसी एंगल्स पे रहें। उसके बाद ऑक्यूपेंट्स को कंफर्ट प्रोवाइड करती है हमारी होल सस्पेंशन सिस्टम। तो हमारे पास यहाँ पे है लीफ स्प्रिंग, ज़्यादातर इसे हम हैवी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। इसके सबसे पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं क्या है। ये जो आप ऊपर बीम देख रहे हैं, ये है साइड मेंबर ऑफ द फ्रेम, मतलब जिसके ऊपर हमारी बॉडी माउंट है वो फ्रेम का साइड मेंबर है ये। ये है एक रिजिड सपोर्ट जिसके ऊपर हमने इसकी आई को माउंट किया हुआ है। जो सबसे पहली लीफ है इसको हम मेन लीफ बोलते हैं, और उसके बाद जितनी मेटल की स्ट्रिप्स लगी हैं इसको हम बोलते हैं ग्रेजुअल लीव्स। इसकी पिछली तरफ एक शैकल यूज़ करते हैं, यानी कि एक मूवेबल ज्वाइंट यूज़ करते हैं हम इसको। लीव्स को एक साथ बांधे रखने के लिए और एक्सल के साथ जोड़ने के लिए हम यू बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये हम जो सेक्शनिंग वाला पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा रेयर एक्सल, और ये जो आप ब्लैक पार्ट देख रहे हैं ये हमारे क्या हैं, क्लैम्प्स हैं, ताकि ये लीव्स जो हैं एक साथ कंसोलिडेट पार्ट बने रहें। तो अब होता क्या है, जैसे ही व्हीकल अनइवन सर्फेसिस पर जाता है तो ये अप एंड डाउन मूव करता है, ये स्प्रिंग, मतलब कंप्रेस होगा या डीकंप्रेस होगा। अब जब इस कंप्रेस होगा ये, तो ऑब्वियस है कि इसकी जो मेन लीफ की लेंथ है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ अगर बढ़ने के लिए हम यहाँ पे कोई इसको फ्लेक्सिबल ज्वाइंट नहीं देंगे, तो या तो ये यहाँ से टूट जाएगा या ये परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा या बेंड हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ये शैकल का इस्तेमाल करते हैं। शैकल जो है ये पीछे की तरफ या आगे की तरफ मूव करती है, जैसे ही व्हीकल के ऊपर लोड पड़ेगा या नीचे कोई बम्प आएगा तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा। पीछे की तरफ मूव करने पर क्या होगा, ये लीफ की लेंथ इंक्रीज होगी। कहने का मतलब है, जैसे ही इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी और ये शैकल जो है उसकी लेंथ को कॉम्पनसेट करेगा और ये पीछे की तरफ मूव करेगा। जैसे ही ये डीकम्प्रेस होगा तो लीफ की लेंथ कम होगी, कम होने की टेंडेंसी पे जाएगी, तो ये शैकल जो है आगे की तरफ मूव करेगी। तो इस तरह से ये हमारा सस्पेंशन सिस्टम जो है वर्क करता है। तो इसका भी हमने फ्री हैंड स्केच ही ड्रॉ करना है, हमें डायमेंशंस की और इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत इसमें भी नहीं है।